नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के समर्थन में भोपाल में कांग्रेस ने आज एक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में हुआ। कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक पैदल मार्च निकालना था। रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक दिया गया। पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 20 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कमलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेसियों पर शिवराज सरकार के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन चलाई गई। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री कांग्रेस के सचिन यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनटीवी पर आपका। वास्तव में घटना को एक तरह से जो कंडेम किया जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि किसान भाइयों और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उन पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन गया है। दूसरी वजह यह भी है कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस मौके पर एक संदेश देने की कोशिश की जाती है, उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही जाती है। ऐसे में इस तरह की घटना होना, क्या कहेंगे? सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा देश एक जो है तानाशाही। हेलो जी, हाँ मुझे आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं सचिन जी? जी बताइए। हेलो जी सचिन जी, आ रही है आपकी आवाज? बताइए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी जी जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैं देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्य है देश का। जी जी, आ रही जी, बड़ा देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारा पूरा देश जो है बड़ी तेजी से जो है लोक हिटलरशाही की तरफ जो है बढ़ रहा है और पूरा देश तानाशाही की तरफ चल रहा है। आज जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, आज अगर हम कांग्रेस पार्टी, हमारे किसान साथी जो कि पिछले कई दिनों से दिल्ली की कड़क की ठंड में है, वहां पर अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, और ये जो तीनों काले कानून भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी चर्चा के, ना लोकसभा में इस पे बहस हुई, ना राज्यसभा में इस पे बहस हुई, और बिना किसी जो हमारे किसान संगठन है उनको विश्वास में लेकर, ना ही देश के किसानों को विश्वास में लेकर के आनन फानन में पिछले दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से इन तीनों कृषि कानूनों को लागू किया गया है। और आज हमारा देश का किसान अपने भले को और अपने नुकसान को अच्छी तरह से समझता है, और आज इसीलिए इतने बड़े स्तर पर जो है हमारा देश का पूरा किसान जो है इसका विरोध कर रहा है, इनकी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा है। और आज जिस प्रकार से एक शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारी बात जो है हमारा समर्थन उन दिल्ली में बैठे किसानों को के लिए जो हमने ये मार्च निकाला था उसको हम लोग करने जा रहे थे, और जिस प्रकार से आज पुलिस ने जो बर्बरता करी है, आज हमारे किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन चलाया, टीयर गैस हुआ है, उसमें कई सारे नौजवान हमारे घायल हुए, कई किसान भाई घायल हुए हैं, हमारे मीडिया के साथी घायल हुए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गलतफहमी में है। ये देश गांधी का देश है और गांधी जी ने जिस प्रकार से अहिंसा के माध्यम से, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है देश को आजाद कराने का काम किया, तो उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी जो है संविधान के दायरे में रह करके हमारे किसानों की हक की लड़ाई को लड़ेगी और उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमसे जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री कांग्रेस के सचिन यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन तानाशाही रवैया अपनाते हुए शिवराज सरकार ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उन पर लाठीचार्ज किया, और इसमें न सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि कई किसान और मीडिया कर्मियों के भी घायल होने की बात कांग्रेस नेता ने कही है। उनका कहना है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने देश को आजादी दिलवाई, उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, किसानों की आवाज उठाने के लिए जा रहे थे, और हमारा ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन जो बर्बरता किसानों पर, कांग्रेस के नेताओं पर और मीडिया कर्मियों पर की गई है वो कतई सही नहीं है और उसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। आपको बता दें कि
किसानों के समर्थन में आज भोपाल में एक पैदल मार्च के दौरान कांग्रेसी नेताओं और किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले उन पर लाठी चार्ज किया गया। कई कार्यकर्ताओं को इसमें चोटें आई हैं। 20 नेताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। तो कांग्रेस की इस खबर पर हमने प्रतिक्रिया जानी, उनका वर्जन जाना। हमारे साथ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल महाजन जी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर। अभी हमारी बात चल रही थी, सचिन यादव जी हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस के, उनका कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन किया जा रहा था और बीजेपी पर उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जिसमें मीडिया कर्मियों को चोट आई, किसानों को चोट आई और कांग्रेसी नेताओं को चोट आई, 20 वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस की हमेशा फितरत ऐसी ही रही है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उसने मुल्तई में क्या किया था, उसने तो गोली चला दी थी किसानों के ऊपर, गोली चला दी थी जिसमें किसान मृत हुए बहुत सारे। तो जो उनके ऊपर जब आती है तो वो अलग सोचते हैं। और आज आज पूरा देश, और मैं तो सोचता हूँ कि 90% किसान आज मोदी जी के साथ है, और मोदी जी ने जो फैसला किया है वो उनके लाभ के लिए किया है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि किसान अपनी प्रगति करे, विकास के रास्ते पर किसान आगे बढ़े और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके कारण वो अनेक हथकंडे अपनाती है, कभी अहिंसा का वातावरण बनाती है, कभी क्योंकि जनता का दिल तो वो जीत नहीं सकती और न वो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। वो तो जो भीड़ होती है उस भीड़ के आगे आकर के खड़े होकर के उसका नेतृत्व करने का काम करते हैं। वास्तव में उन्होंने शांति मन से विचार करना चाहिए कांग्रेस ने कि इससे किसान को कितना लाभ होने वाला है। आज सारा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के इस निर्णय के साथ है, और उसके बावजूद ये केवल वातावरण को खराब करने के लिए, किसान छोटे किसानों को भ्रमित करने के लिए ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं। नौटंकी है ये, किसी प्रकार से वो नहीं है कि कोई वास्तव में आंदोलन है तो वो खुद खड़ा करके दिखाए ना पूरे देश के अंदर किसानों को आंदोलित करके अपने नेतृत्व में आंदोलन करे। उनके नेता तो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। जो उनकी सोच ऐसी है जिनको यही नहीं मालूम है कि मूंगफली जमीन के अंदर पैदा होती है कि मूंगफली जमीन के ऊपर पैदा होती है। अब वो लोग किसानों का नेतृत्व करने की बात करते हैं, किसानों की बात कहने जाते हैं, तो क्या मतलब है उस बात का, मेरा ये कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बाबूलाल महाजन बीजेपी के नेता, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो कभी भी इस तरह से नेतृत्व नहीं करती है और ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, भीड़ के आगे कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं और जो भी किसानों के लिए जो कृषि कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से उनका विरोध करने से पहले उनको उसको समझ लेना चाहिए। और मोदी जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो केंद्र की तरफ से जो भी कानून लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है और कांग्रेस जबरदस्ती सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसका विरोध कर रही है।